फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन फैशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ये बिना अस्तर के ब्लाउज़ की कटिंग, सिंपल ब्लाउज़ जो फोर टक्स का होता है, उसकी कटिंग आपके साथ में शेयर की है। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन फैशन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ की कटिंग शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो ये देखिए, ये 1 मीटर का पीस है, क्योंकि हमें 40 चेस्ट का ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो चलिए कर लेते हैं, पहले ड्राफ्ट लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। ये देखिए इस टाइप से, इस साइड ओपन है और इस साइड फोल्ड वाले साइड है। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स ब्लाउज़ की जो लेंथ लेंगे, तो हमारे ब्लाउज़ की फ्रेंड्स लेंथ जो है 14 है रेडी। तो हम उसमें 2 इंची एक्स्ट्रा लेंगे, 1/2 इंची फ्रेंड्स, 1 इंची हमारा टक्स में जाता है और 1.5 इंची हमारा जो बेल्ट में और फोल्डिंग में जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने 16 पे मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर में 6.5 लूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से, अब इसको और इसको हम मिला लेंगे। अब हम आर्म होल लेंगे फ्रेंड्स, तो आर्म होल भी मैं 6.5 ही लूँगी, क्योंकि हैवी चेस्ट का है फ्रेंड्स। इसको भी हम मिला लेंगे पहले, ये देखिए। और अब हम यहाँ से चेस्ट का 4 भाग लेंगे, तो 40 है हमारा चेस्ट, तो हम 10 करेंगे। 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 आता है, 40 को 40 का 4 भाग किया तो 10 आता है। 2 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड्स कपड़ा लूजिंग के लिए। ये देखिए, अब इसको भी हम मिला लेंगे। और 1 इंची हम यहाँ से पीछे की साइड लेंगे, ये देखिए, इसको हम इधर से मिला लेंगे। ये हम फ्रंट की गोलाई के लिए ले रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और इधर से अब हम 1.5 इंची लेंगे गोलाई के लिए और गोलाई कर लेंगे। ये हमारी बैक साइड की गोलाई है बैक पल्ले की, और ये हमारी फ्रंट पल्ले की है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत अच्छे फिटिंग आती है इससे। अब यहाँ से हम टक्स का लेंगे, तो यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 9 आएगा टक्स पॉइंट जो हमारा है, और इधर से फ्रेंड्स हम 4 लेंगे। ये देखिए, इसको भी हम मिला लेंगे इस टाइप से, ये देखिए। अब फ्रेंड्स, इस टक्स से जो हमारी दूसरी वाली प्लेट्स है वो भी 1.5 इंची पे होती है, और ये वाली भी 1.5 इंची पे होती है। ये देखिए, दोनों की मैं मार्किंग कर लूँगी साथ के साथ, ये देखिए इस टाइप से। इसे अब हम बेल्ट ले लेंगे फ्रेंड्स, 4 इंची की लूँगी, ये देखिए 4 पे मार्क करेंगे, क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा तो 3.5 रेडी हो जाएगी। और इधर से मैं 3.5 पे रखूँगी, ये देखिए। अब इसको और इसको हम मिला लेंगे इस टाइप से। अब हम नेक लेंगे, नेक फ्रेंड्स मैं 2.5 इंची का रखूँगी, 2.5 इंची विड्थ रखेंगे, इधर से 7.5 रखेंगे, ये देखिए, इधर भी 2.5 रखेंगे और गोलाई कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसको और इसको मिला लेंगे, और इधर से हम अब गोलाई कर लेंगे।
ये देखिए राउंड नेक की गोलाई करेंगे। अब फ्रेंड्स हम ये टक्स के जो पॉइंट थे उसको हम मिला लेंगे इस टाइप से। ये देखिए ये हमारी मेन है जो हमने टक्स के मार्किंग की थी उसको मिला लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो हमारा जो बीच में सेंटर में पीस बचता है इसके जो हम हाफ में प्लेट्स डालते हैं तो 5 है तो हम 2.5 पे डालेंगे। ये देखिए इस टाइप से। और जो हमने 2.5 इंची की मार्किंग की थी इधर से 1.5 इंची की वो हम इस टाइप से लगा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ हम 1.25 इंची की प्लेट्स लेंगे या 1 इंची की भी ले सकते हैं। ये देखिए 1 इंची की लेंगे, फिटिंग अच्छे से आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इधर से भी हम 1 इंची लेंगे। साइड वाली प्लेट्स होंगी फ्रेंड्स, ये हमारी 2 पॉइंट पर ही होती हैं। ये दोनों तीनों प्लेट्स हमारी 2-2 की ही होती हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से। और इधर से फ्रेंड्स हम ये 1 इंच का गैप रखते हुए ही ये वाली प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए इसको भी हम इस टाइप से मिला लेंगे। अब यह हमारा फ्रंट का पीस रेडी हो गया है, मतलब ड्राफ्ट लग गया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं और फिर हम बैक पीस कट करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले मैं नेक से स्टार्ट करूँगी। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, इधर से हम कमर का भी लेंगे। तो कमर हमारी 32 है तो 32 को 4 से डिवाइड किया तो 8 आता है। और फ्रेंड्स 1-1 इंच जो हमने टक्स का लिया है वो भी ले लेंगे। ये देखिए इस टाइप से, और इसको हम मिला लेंगे। तो ये देखिए इसीलिए मैंने कमर की मार्किंग नहीं की थी क्योंकि ये हैवी चेस्ट का है तो उनको हैवी ही आएगा। देखिए कमर का इतना ही आता है इसलिए मैंने कमर की मार्किंग नहीं की थी फ्रेंड्स। फिर भी मैंने आपको खाने के लिए ये कमर की मार्किंग भी लगा दी है। अब फ्रेंड्स इसको हम उठा करके इसके ऊपर रखेंगे और बैक पीस कट कर लेंगे। सिर्फ इस टाइप से ले लेंगे। ये देखिए जितना चाहिए। इधर से हम नेक 9.5 पे रखेंगे। तो ये देखिए मैं इधर से मार्किंग कर लूँगी, बाद में निशान लगा लेंगे। और ये हमारा आर्म होल और शोल्डर हो गया है, बिल्कुल इक्वल रखेंगे क्योंकि ये हमें थोड़ा बड़ा ही साइज चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, और इधर से हम 1 इंची कम कर देंगे क्योंकि ये हम जो पीछे का है वो टक्स नहीं होती इसलिए 1 इंची कम होता है। अब हम इसको उठा लेंगे और प्लेट्स का निशान कर लेंगे फ्रेंड्स एक बार। ये देखिए इस टाइप से। अब हम पहले नेक की मार्किंग करेंगे। तो इधर से 2.5 ही रखेंगे। ये देखिए इसको और इसको मिला लेंगे और इधर से हम टक्स को मिला लेंगे। ये 4 और 5 की टक्स होती है फ्रेंड्स, 5 की रखेंगे क्योंकि हम ये फोल्ड करेंगे 1 इंची। तो इधर से अब इसको हम 5 की रखेंगे, 1 इंची हमारा फोल्ड हो जाएगा नीचे से। ये देखिए अब इधर से हम राउंड नेक की गोलाई करेंगे क्योंकि राउंड ही चाहिए, नेक पाइपिंग वाला है। अब हम इसको कट कर लेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हम ये देखिए बेल्ट को और जो हमारी आगे की गोलाई है उसको कट करेंगे। ये देखिए
4 से डिवाइड करेंगे हम चेस्ट को, तो ये देखिए 10 आता है, इधर हम 10 ले लेंगे और स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ फ्रेंड्स हमारी 6 है, तो उसमें हम 2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। एक तो हम ये हाफ सिलाई वाला है तो 1 इंची तो हमारा फोल्ड में जाएगा और हाफ इंची हमारा स्टिचिंग में जाएगा फ्रेंड्स। तो इधर से हम 1.5 इंची की मार्किंग कर लेंगे फोल्ड के लिए, ये देखिए इस टाइप से। और इधर से हम 3 लेंगे, और इधर से हम 10 पे मार्क करेंगे क्योंकि चेस्ट हमारी 40 है, तो 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 आता है फ्रेंड्स। और ये देखिए इसको और इसको हम मिला लेंगे। टेन आता है, अब हम 5 लेंगे और हाफ इंची पे गोलाई दे देंगे, ये देखिए इस टाइप से। तो मोरी हमारी 12 है, 12 का हाफ किया तो 6 आता है, ये देखिए इस टाइप से। 2 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड्स कटिंग के लिए, इसको और इसको हम मिला लेंगे। ये देखिए इस टाइप से मार्किंग करेंगे और जो हमने 2 इंची की है उसको भी मिला लेंगे, ये देखिए। अब हम कट करेंगे,